आज का ब्लॉग का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, फर्स्ट डे एट सिडनी। तो अभी हमारा प्लान बना है न्यू साउथ वेल्स सर्विसेज जाने का। पाकिस्तानी हो ये आ गया आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट डे एट सिडनी है, विंडी विंडी वेदर है। दुख की बात ये है ना, अपने घर वालों की बड़ी बात क्योंकि यहाँ पे काले कवे बिल्ली की आवाज निकाल रहे हैं, तो बिल्ली पता नहीं कुत्ते की आवाज निकालती होगी। हेलो जी, हेलो पाकिस्तान, हेलो ऑस्ट्रेलिया। गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, फर्स्ट डे एट सिडनी। तो हम लोग रुके हुए हैं अपने दोस्तों के घर। घर कुछ ये है, ठीक है, टेम्प्रेरी हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। हमने अपने रूम्स देखने हैं और वहाँ पे जाना है। इस इलाके का नाम है पंचबोल, ये सिडनी में है, और इसके साथ एक और इलाका है उसका नाम है लिकम्बा। ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं पूरे सिडनी में, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान रहते हैं तो हमें ये इशू नहीं कि यहाँ पे हलाल फूड ढूंढना है। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा एयरपोर्ट में जहाँ से हम लोग आए थे ना, बैंकॉक एयरपोर्ट में, वहाँ पे सिर्फ हराम फूड अवेलेबल था, बड़ी मुश्किल से हलाल फूड मिला था। तो यहाँ पे सिडनी में भी यही सीन है, लेकिन ये दो इलाकों में ज़रा मुसलमान हैं तो हमें मस्जिदों में भी कोई इशू नहीं है, वो भी मिल जाती हैं। तो इसके अलावा एकोमोडेशन भी ठीक ही है, सबसे अच्छी बात है हलाल फूड यहाँ अवेलेबल है, तो हमें यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट डे एट सिडनी है, विंडी विंडी वेदर है, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। आई मीन तेज हवा चल रही है तो बहुत बेहतरीन क्लाउड, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो ये हमारे दोस्त जा रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं। असल में आज हमारा फर्स्ट डे है तो हम लोगों ने कुछ यहाँ पे काम होते हैं, सिम लेनी है, फोटो आईडी बनवाने हैं, इसके अलावा TFN, ये सारी चीज़ें, ये हार्डली वीक लग जाते हैं इन कामों में। तो कुछ काम हमारे हो गए हैं, कुछ काम हमारे होने हैं। तो अभी मेन काम के लिए हम लोग जा रहे हैं NSW सर्विसेज न्यू साउथ वेल्स, क्योंकि पता है आपको शायद पता हो, नहीं पता तो मैं बताया, तो इस स्टेट का नाम है न्यू साउथ वेल्स। जैसे हमारे पास प्रोविंस का निज़ाम है, यहाँ स्टेट का निज़ाम है, तो न्यू साउथ वेल्स के शहर सिडनी में हम हैं। तो अभी हमारा प्लान बना है न्यू साउथ वेल्स सर्विसेज जाने का, वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है। असल में इन चीज़ों की असल में ज़रूरत ये है कि इनके बगैर हम काम नहीं कर सकते यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स, तो इसलिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। A few moments later. यहाँ बेशक आगे बैठो पीछे बैठो, बेल्ट लगानी पड़ती है। अपने मुल्क में तो यह था ड्राइवर होते हुए भी बेल्ट लगाते, यहाँ पीछे बैठ के बेल्ट लगेगी, वरना जो नहीं लगाएगा उसको चलाने से। इस एरिया में मैं आया हूँ, इसका नाम है पूल्स, और यहाँ पे NSW का ऑफिस है। ये बेसिकली एक मॉल है, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं NSW सर्विसेज पे, तो आगे देखते हैं।
in front of New South Wales services. You can see this. तो ये वो हिसाब है इस तरह अपने मुल्क में नजर है पर कितना है कि हमारे शनाख्ती कार्ड हैं यहाँ फोटो आईडी बनवाने हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए होता है तो काफ़ी काम हमारे हो कुछ काम रह भी गए हैं तो प्रोसेसिंग हो रही है ठीक है बाकी वक्त के साथ सारा कुछ हो जाता है अभी तो हम यहाँ बैठे हैं यहाँ कुछ काम रह गए हैं जब वो होते हैं तो यहाँ से निकलते हैं A few moments later. हम आए हैं यहाँ पे एक शॉपिंग की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आया हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर सम स्मार्टफोन्स देखें यहाँ पे क्या हिसाब है S22 Ultra वन ऑफ माई फेवरेट स्मार्टफोन थोड़ा काम है भी है लेट्स चेक आईफोन्स आईफोन की तो आवाम फैन है ओके पाकिस्तानी हो ये आ गया आईफोन 14 Pro Max ये है 512 GB कहानी थोड़ी हैवी है लेकिन आई थिंक इन दिस कंट्री मैनी स्टूडेंट कैन अफोर्ड इट इफ यू वर्क कंसिस्टेंटली दीज आर एप्पल वॉचेस आ चुके हैं बड़े मज़े की चीज़ें देखी हैं अभी जा रहे हैं हम शायद घर की तरफ और वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें जो मैं आपको दिखाता हूँ और जहाँ फिलहाल रुके हैं वहाँ का भी एक टूर आपको कराता हूँ हम लोग फिर फूर के आ गए हैं इस इलाके का टूर करके आते हैं मेरे साथ है मेरे टीचर मेरे बड़े भाई मिस्टर शाहजेब खान तो इलाके का टूर करते हैं हाँ सबसे पहले ये बोर्ड देखो ये बोर्ड रखनी है इसी को लेके जाना है बीच में खेलना है कूदना है अच्छा हमको सिखा दिया है ओ आई मीन इसमें फिरना है वापसी आ जाना है और ये अपने घर के बाहर रख देनी है सिंपल ठीक है बाकी आगे चलते हैं लुक आउट द वेदर यार वेदर कितने मजे का है आई मीन लुक एट द वेदर हाँ यार असल में कुछ दिन ना इंग्लिश की टांगे वगैरह तोड़ेंगे हम लेकिन जगह पे आ जाएंगे क्यों जी तो हाँ अच्छा मजे की बात ये है कि वी आर इन दस हाँ हम लोग ना दूसरे बर आजम में आ गए हैं ठीक है तो यहाँ पे सारी कहानी उल्ट है उल्ट किस तरह पाकिस्तान के अंदर इन दिनों सर्दियाँ आने वाली थी और यहाँ पे सर्दियाँ जा चुकी हैं और ये इनका एक तरह से बाहर का मौसम चल रहा है एंड यहाँ की वेदर कंडीशन कुछ ये है कि अगर एक दिन धूप निकल आई है तो या तो उसी दिन या तो नेक्स्ट डे बारिश का सीन हो ही जाता है नॉर्मली यहाँ पे ये सीन है एंड यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक अजीब चीज़ हमें लगी है यूवी एक्सपोजर हाँ अगर गर्मी है या हवा चल रही है जो भी हिसाब है बिल्कुल धूप का जो दोपहर का टाइम होता है उस वक्त यूवी एक्सपोजर इनका थोड़ा ज़्यादा होता है बाकी साफ़ सुथरे रोड जगह मोहल्ले तो अभी तो हम एक्सप्लोर करेंगे अभी तो खाली एक दिन हुआ है लेकिन बहुत ज़बरदस्त जगह है यहाँ का एक कड़वा सा जी है कमासो ते खासो नहीं कमाओगे तो बस मजे करो ओके यार रेनिंग स्टार्ट हो गई है और हम लोग अभी रवा दवा हैं पंच पाउल के रोड पे और मैंने जैसे कि पहले बताया था मुस्लिम्स का एरिया है मेजॉरिटी यहाँ पे मुसलमान है और हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है इस एरिया में वेदर बहुत ज़बरदस्त है लग ही नहीं रहा कि यहाँ गर्मी आने लगी है जैसे पाकिस्तान में रमज़ान सर्दियों में आता जा रहा है तो यहाँ पे उसका उल्टा है यहाँ पे रमज़ान गर्मियों में आता जा रहा है
यहाँ पे दिसंबर जनवरी में पीक की गर्मी होती है एंड पाकिस्तान में आप लोगों को पता होगा। तो अभी तो बस यहाँ की बाहर का मौसम है, अगर थोड़ी देर धूप निकलती है तो साथ ही बारिश हो जाती है एंड एक्सट्रीम खूबसूरत, मैं कहूँगा बहुत खूबसूरत वेदर है। तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आसपास के एरिया को, मार्केट में हम पहुँचते हैं। व्यूवर्स कुछ कड़वे सच है जो आपको बताऊँ, इतनी तरक्की याफ्ता कंट्री में भी ये काम होता है जो हमारे गांव में होता है। इसकी क्या वजह है, यहाँ पे इसमें लाइव चैनल आ जाते हैं यहाँ के, इस कॉन्टिनेंट के, यहाँ के एरियो के, तो बड़ा काम चल जाता है लोगों का। इसके बाद दूसरा कड़वा सच है, यहाँ पे जो स्विच बोर्ड होते हैं वो हमारे होते हैं 3-pin shoe लग जाता है इजीली, लेकिन इनकी जो पिन होती है स्विच की वो ऐसे होती है, हमें किसी ने नहीं बताई थी। तो वो हमने कल तकरीबन $9 का खर्चा करके वो वाले कन्वर्टर लिए हैं 3 shoe के, वो हो गया। तीसरी बात, यहाँ पे कहीं भी जाएंगे, कहीं पे जाएंगे सिर्फ मस्जिद के अलावा कहीं पे भी जाएंगे, जितने भी वॉशरूम्स होंगे वहाँ पे हमारे जो लोटे या मुस्लिम शावर का रिवाज है वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ बातें भी करते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं इस एरिया को। हम पंचबॉल रोड की मेन साइड पे पहुँच चुके हैं जो कि एक मार्केट है। यहाँ पे ये लाहौरी ढाबा भी है हमारे सामने। ये देखो यार, साहिवाल के माल्टे यहाँ नहीं मिल रहे, सरगोधा के बड़े ढूंढे हैं। ये सीन है यहाँ पे, कैलिफोर्निया से आए पड़े हैं, वो भी किस सीजन में, कौन सा महीना, नवंबर, नवंबर में अद होगी। अच्छा जी, यहाँ पे एक ये चीज़, दूसरा पैरट मैं बहुत देख चुका हूँ यहाँ पे, बहुत खूबसूरत पैरट है, खुले आम यहाँ नज़र आ रहे, पाकिस्तान में तो कभी ढूंढ ढूंढ के भी नज़र नहीं आए। तो दूसरा सबसे बेहतरीन चीज़ है यहाँ के कब्बे हैं, मुझे जैसे कोई कौवा नज़र आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उस कौवे की आप लोग आवाज़ सुनना, मुझे ऐसा लगता है जो मेरा छोटा भाई ये शान बोर हो रहा है, जैसे कोई कौवा नज़र आता है मैं आप लोगों को उसकी आवाज़ सुनना। तो व्यूवर्स ये हैं वो तोते जितनी बात होता है हमारे मुल्क में, पता नहीं कितने महंगे महंगे मिलते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन पैरट, यहाँ पर आपको चलते फिरते नज़र आएंगे। और जो कौवा है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, व्यूवर्स ये देखो, ये बैठा है कौवा, यहाँ पर होते हैं ब्लैक क्रो, वाइट क्रो, ग्रे क्रो, लेकिन ये जो ब्लैक क्रो है ना, इसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। आप सुनना, आवाज़ सुनो, ये देखा है मेरे पीछे आवाज़ें आ रही होंगी। तो ये देखो, जब यहाँ पे मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे काले कौवे बिल्ली की आवाज़ निकाल रहे हैं, तो बिल्ली पता नहीं कुत्ते की आवाज़ निकालती होगी। ये देखो मेरे पीछे देख रहे होगे, और इसके अलावा वो आगे देखो, ये दीज आर दी डस्टबिन्स, येलो वाली रिसाइकलिंग मटेरियल है, रेड वाला जो बस सही कचरा जो होता है, और एक नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल, हाँ, और ग्रीन में क्या था, ग्रीन में प्लांट्स वगैरह था शायद, हाँ। तो ये हिसाब है साढ़े कोल की, उन्हें छापर बनाओ तो साटा। And you can see these boards, जो ये लोग ले जाते हैं वीकेंड पे बीच पे, और वहाँ पे बस मज़े करते हैं, अपनी ख़रीद के रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे रूल मैंने देखे हैं, पैदल जैसे मैं अभी रोड क्रॉस कर रहा हूँ ऐसे नहीं कर सकते, पैदल रोड क्रॉस नहीं कर सकते, बिलखसूस जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, पीछे मार्केट जो थी उस जगह पे, मतलब जहाँ पे ज़रा पब्लिक प्लेस हो ज़रा सही वाली, तो वहाँ पे होता है एक बटन, उसको दबा दो, जो आगे एक बंदे की शक्ल बनी होगी रेड होगी, जब वो ग्रीन होगा देन यू कैन मूव ऑन। रोड क्रॉस नहीं कर सकते, थूक नहीं सकते, और पता नहीं क्या क्या पाकिस्तानी असूल जो हमें नॉर्मल चीज़ें लगती हैं, मतलब आपने किसी बंदे की हेल्प, मतलब पहली बात तो ये, अंग्रेज़ अपने बच्चे से ज़्यादा कुत्ते को, देन अगर अंग्रेज़ के बच्चे को आपने
पार्क में उसकी हेल्प करके झूले बिठा दिया, देन दे कैन कॉल द पुलिस, इट्स देयर ऑन मर्जी, इट्स देयर ऑन चॉइस. दीज आर द सम अजीब अजीब रूल वी केम टू नो आफ्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया इन जस्ट वन डे. दुख की बात ये है ना, अपने घर वालों की बड़ी याद. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. चल झूठा. लेकिन वो पुराने जमाने के वो जमाने के रोने वाले. अभी ये सीन है यार, ये कोई वो काम नहीं, मैं दुखी होकर बैठ जाऊँ, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. इधर आओ, लाइफ इंजॉय करो, पढ़ो भी, काम भी करो. अभी आप ये देखो, रहने के घर नहीं है हमारे पास, काम करने के लिए जॉब नहीं है, एंड वी आर जस्ट इंजॉइंग इन दिस वेदर. तो बाकी तो नए व्लॉग्स आते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे क्या क्या सीन है. तो आज का व्लॉग इतना ही है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, रिक्वेस्ट आप लोगों को पता है.